नमस्कार दोस्तों, किन्नौर पेज से मैं राम रत्न की। गर्मियों का दिन है और ऐसे में मक्खी मच्छर जो है उत्पन्न होते हैं अगर आसपास आप अपने सफाई का ध्यान नहीं रखते हो तो। भावनगर बाजार इन दिनों कूड़ा का ढेर बना हुआ है। जब मैंने पासवान से पूछा इसका मुख्य कारण है क्या है, तो उन्होंने बताया है कि उनका पैसा जो सफाई में सफाई का जो पैसा है उनको मिला नहीं, इस वजह से जो है वो सफाई अभियान रुक पड़ा है। और हमने स्थानीय पंचायत से पूछा तो उन्होंने कहा कि जो है अब जो है सारा देख रेख जो है पासवान को हवाले कर दिया है, वो जाए और पूरे बाजार वालों से पैसे ले। मैं बताना चाहता हूं कि मुख्यतः सबसे पहले भावनगर बाजार का जो सफाई अभियान व्यापार मंडल भावनगर करता था, जिसके अध्यक्ष पदमपुर नेगी जी और सचिव जो है कुलदीप मेहता जी थे, लेकिन बीच में जैसी पंचायत जो चुनाव जीतती है उसके बाद पंचायत जो है उनको टेक ओवर करती है। टेक ओवर का मुख्य कारण ये था कि व्यापार मंडल भावनगर बाजार का सफाई तो कर रहा था लेकिन स्थानीय गांव वासियों का जो आसपास के जो कॉलोनियां हैं, आरएस कॉलोनी है, ऐसे कई एरिया थे जहां का कचरा जो है उठ नहीं रहा था। तो सुंगरा पंचायत ने एक अच्छी पहल की थी कि ताकि जो है गाँव के घरों से भी जो है आसपास के जितने क्वार्टर मालिक है उनसे भी जो है कचरा इकट्ठा कर दिया जाए और जो है पूरा सफाई अभियान हो। लगभग कुछ साल तक भी ठीक चला लेकिन कहते कि जो आसपास के जो गांव है, आसपास के जो कस्बे है, वहां से जो है प्रॉपरली जो है पैसा नहीं आने से पंचायत जो है लायबिलिटी नहीं दे पा रही है, इसलिए पासवान को ही सारा कार्य सौंपा गया है। और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर दो व्यापार मंडल है, एक महेश्वर व्यापार मंडल और पूर्व जो पहले से बना हुआ व्यापार मंडल, दोनों जो है दोनों के जो इसमें दोनों के अंडर में जो है बाजार आता है लेकिन जो है जो सफाई अभियान पर दोनों की कोई भी जो है निगरानी नहीं, ना कि वो पहल कर रहे और ना वो कोई कदम उठा रहे, ना कहीं प्रशासन तक वो आवाज कर रहे हैं। तो मेरा पेज के द्वारा मुख्यतः यही है कि दोनों व्यापार मंडलों से आग्रह करता हूँ कि आप जो है दोनों जो है सफाई पर जो है बाजार की सफाई पर जो है एक उचित कदम उठाए। क्या उसके सच में पासवान का जो पैसा रुका है इस वजह से जो है पासवान काम नहीं कर रहा है या कोई और अन्य कार्य है। और स्थानीय एडीएम प्रशासन से भी मैं अपील करता हूं कि जो भावनगर का जो सफाई व्यवस्था जो बिल्कुल ही टूट चुका है और बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, जगह जगह नालियों में जो है आपके गंदे नालियों में जो है कूड़ा कचरा भर चुका है, पूरा बाजार में फैलता है। और जो है जो डस्टबिन एसटीबिन के दोनों साइड रखे हैं, चाहे वो टापरी की ओर हो चाहे वो रामपुर की ओर हो, दोनों ओर भरा पड़ा है, दोनों जगह जो है जानवरों का जो है बहुत हजूम रहता है। तो एक अनुरोध करता हूँ स्थानीय पंचायत से, स्थानीय व्यापार मंडल दोनों व्यापार मंडलों से और स्थानीय प्रशासन से, और सजग रहकर सतर्क रहकर जो है क्योंकि गर्मियों का मौसम आ चुका है और पासवान को बगैर पैसे तो जब तक मिलेगा नहीं पासवान काम करेगा नहीं। आखिर सफाई अभियान कैसा होगा, किस प्रकार से करना होगा, इस पर जो है पंचायत प्रतिनिधि, पंचायत के जो जितने भी हमारे चुने हुए प्रतिनिधि है और आईजी साहिबा से और हमारे दोनों व्यापार मंडल से निवेदन करता हूं कि कृपया जो है भावनगर को स्वच्छ और निर्मल बनाने में सहयोग करें। और धन्यवाद। आप देखिए भावनगर के बाजार का क्या व्यवस्था है और पासवान जी की क्या बातें हैं और स्थानीय जो व्यापारी है वो क्या कहते हैं। नमस्कार। जुड़े हैं प्रकाश चंद जी, सब्जी वाले जो सामने ये जो कूड़ा है वो कितने दिन से उठ रहा है और नहीं उठने का कारण क्या है। प्रकाश जी आपका स्वागत है, बताएंगे कि ये जो कूड़ा है कब उठता है, कितने दिन के बाद उठता है। नहीं, पहले तो डेली उठता था, अब नहीं उठ रहा है। आज व्यापार मंडल के भावनगर में कोई व्यापारी लोग उनको पैसा नहीं दे रहे कूड़ादान, कूड़ा उठाने वालों को, और उस वजह से ये कूड़ा अभी नहीं उठ रहा है और ऐसे ही पेंडिंग में पड़ा हुआ है। ये व्यापार मंडल उठाता है या फिर सुंगरा पंचायत के? सुंगरा पंचायत से। अच्छा, सुंगरा पंचायत के थ्रू है और व्यापार मंडल के थ्रू नहीं है, और पैसे व्यापारी लोग नहीं दे रहे उनको। अच्छा, व्यापारी जो व्यापारी लोग हैं, जो दुकानदार है, दुकानदार लोग है वो पैसा नहीं दे रहे उसको कूड़ा उठाने वाले को, तब उसे बंद किया। अच्छा, जो व्यापारी नहीं दे रहे। हाँ,
तो इस पर सुनगरा पंचायत कोई जो है वो नहीं कर रही, उन पर ऑब्जेक्शन नहीं कर रही, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रही, कोई पता नहीं है अभी। तो हमारे साथ जुड़े हैं पासवान जी, तो जानेंगे कि भावानगर में जब जब जो है कूड़ा का ढेर लगता है तो ये हड़ताल करके बैठते हैं, मुख्य कारण क्या है? तो पासवान जी आप बताएंगे कि कितने सालों से आप यहाँ पर जो है सेवाएं दे रहे हैं? सर मुझे तो यहाँ पे 6 साल हो गया, साल भर के बाद से मैंने सेवा देना शुरू कर दी, लगभग 5 साल हो गया मुझे। तो 5 साल के बीच में ये जो है इस बार जो है आपने हड़ताल किया है, पहले भी बीच में हड़ताल करते रहते हैं, कूड़ा उठाते नहीं है, मुख्य कारण क्या है कूड़ा नहीं उठाने का? मुख्य कारण है साहब जी, क्योंकि जब हम काम कर रहे हैं ना तो हमारे बारे में कोई ज़्यादा गंभीर से लोग नहीं सोचते हैं, वो सोचते हैं कि ऐसे ही बस पेमेंट भी मेरा, वैसे भी मैं घर घर के कूड़ा उठाता था। पहले तो मैं व्यापार मंडल के साथ था, 1.5-2 साल उनके साथ में रहा, तो मुझे जो भी मिला तो चलो महीने महीने मिल जाता था मुझे। पंचायत के अंदर में गया तो मैंने घर का और उस पूरा मतलब भावानगर का ही ऊपर तक मैं हाइट तक उठाया, उठाने के बाद फिर मेरा दुकानों से तो कुछ पैसा मिलते रहा और घरों का पैसा मुझे सर 1,00,000 रुपया मेरा गरीब आदमी का जो नहीं मिला, जो मैं दुख होकर मैं बंदे को भी रखा था और उसके अनुसार मैंने घरों का काम मैंने रोक दिया 1,00,000 रुपया। एक चीज और है, पंचायत ने आपको घर घर को काम दिया ना, तो ये पंचायत की जिम्मेदारी बनती है ना आपको वो 1,00,000 रुपये दिलवाने की, तो उन्होंने दिलवाया नहीं दिलवाया? उन्होंने कोशिश की लेकिन लोगों ने नहीं दे पाया, तो उन्होंने भी बोला कि चलो अब हम लोगों से कितने लोगों से मारामारी कर सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने भी मतलब जो मिला सो हमको मिला, लेकिन फिर भी मेरा 1,00,000 रुपया जो है सर कम से कम मुझे घरों का कूड़ा उठाने में साल भर मेरा समझिए कि 1,00,000 बनता है मेरा एक अकेला। वैसे तो मैं 2 बंदे रखा हुआ था, तो मुझे इतना होने के बाद में मैंने घरों का छोड़ दिया, फिर भी मैं दुकानों कर रहा हूँ। उसके बाद में 3-4 महीना हो गया सर, पंचायत जो है से मुझे बोल दिया था कि पासवान जी आप खुद ही मतलब कलेक्शन करो और खुद ही पैसा लो, और सर मैं 2-3-4 महीने से तो मैं कर ही रहा था करते करते। अभी क्या हुआ कि अब किसी महीने में मेरे को 12,000 मिलता है, किसी महीने में 14,000 मिलता है, 15,000 तो कभी मिला ही नहीं, और इतने साल के बाद मुझे थोड़ा पेमेंट बढ़ना भी चाहिए। 500 रुपये में सर मैं इतना कूड़ा का भरा काम करता हूँ, मेरे पास तो बाल बच्चे हैं, आजकल लोग दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं तो 600 रुपये उनको मिल रहा है, कम से कम उनको दिहाड़ी के रूप में भी मिलता ना तो सर मुझे कोई दुख नहीं होना था। और दुख इस बात का है कि जब मैं अभी 10-15 दिन पहले से मतलब कि हमको पैसा लेने का टाइम आया तो पूरा मतलब मार्केट में लोग बंद करवा दिए, फिर उसके बाद में दुर्गा जी डॉक्टर साहब उनको ऊपर वाले टॉप वाले फ्लोर में भी सब बंद कर दिए कि मैंने मेरा कूड़ा नहीं उठाना है, पैसा नहीं दूंगा मैं। मेरा दिल दुखी हो गया सर, 10-12 आदमी 15 आदमी जब ऐसे बोल दिया तो हमने सर दिल दुखी हो गया, तो मैंने अपना इस काम को मैंने प्रधान जी को और व्यापार मंडल को सबको बोल के मैंने इस काम को रोक दिया। अच्छा, तो दोस्तों बताना चाहता हूँ कि 5-6 सालों से यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, पहले ये व्यापार मंडल भावानगर के अधीन था तो प्रॉपरली चलता था, उसके बाद पंचायत के अधीन आ गया, पंचायत ने गांव वालों से भी जो है इन्हें इकट्ठा करने के दिया, लेकिन बीच में जो गांव वालों की वजह से जो इनका पैसे रुक चुका है, अब पंचायत कहती है कि इंडिपेंडेंट जो है पासवान जी करें, और बताना चाहते हैं कि व्यापार मंडल भावानगर में 2 जो है व्यापार मंडल है और दोनों ने इंडिपेंडेंट कर दिया है, लेकिन यहाँ पर स्थानीय ग्राम पंचायत अब तीनों ने जो है दरकिनार कर दिया है। पासवान जी को बताया गया है कि आप खुद स्वयं उठाएंगे, चाहे वो गांव वालों से उठाए चाहे बाजार से, लेकिन गांव वालों का तो इनका गांव का जो कस्बे से उठाते थे, आरएस कॉलोनी हो गया, बीच का देवदार कॉलोनी, ऐसे कई कॉलोनियां थे, तो वहां से जो है इनके पैसे डूब चुके हैं, और वर्तमान में अब जो इंडिपेंडेंट इनको बोला कि आप खुद ही कीजिए, खुद ही वो करिए, तो लेकिन अब बाज़ार से जो है कोई जो व्यापारी इनको नहीं दे रहा, इसलिए ये ढेर पड़ा हुआ है, और इनका कहना है कि जब तक मुझे एक एक दुकानदार देता नहीं है और एक एक जो वो जितने भी आसपास के एक एक लोग दिखाते नहीं है तो तब तक वो कचरा नहीं उठाएंगे ना यहाँ पर जो है वो काम करेंगे, तो ये इनका कहना है। तो धन्यवाद।